नमस्कार साथियों। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि केसियो सीटीएक्स 9000 के अंदर पैटर्न सीक्वेंसर का यूज करके अपन रिदम कैसे बना सकते हैं। बहुत लोगों के बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बाकी आपके कोई भी क्वेरी हो, किसी भी टाइप की आप मेरे से मदद चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरा नंबर भी है, नंबर पर भी आप मैसेज करके बता सकते हैं व्हाट्सएप पर। और चलिए देखते हैं इसको कि किस तरह से किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूजर रिदम वाली कैटेगरी में जाकर के वहाँ से कोई खाली स्लॉट वाली कोई भी रिदम को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने 333 पर जो नो डाटा है वो सिलेक्ट कर ली है। इसमें देख लेंगे कहीं पर कोई है तो नहीं इसमें कोई रिदम। देखिए मैं दबा रहा हूँ स्टार्ट स्टॉप, लेकिन कुछ भी नहीं बज रहा है, यानी खाली है। तो फंक्शन बटन को आप एक बार लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करते ही आपके सामने ड्रम्स लिखा हुआ आएगा, यानी कि इसमें आप ड्रम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब वो करना कैसे है थोड़ा सा इस चीज़ को डिटेल में समझ लेंगे, उसके बाद में अपन सारी प्रोसेस को करेंगे। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ये नज़र आ रहे हैं, जिनमें से सेकंड नंबर पर ब्लिंक हो रहा है, यानी कि ये ट्रैक्स हैं। और ये सेकंड नंबर पर ब्लिंक हो रहा है, यानी कि सेकंड वाला जो ट्रैक है वो अभी आपके सामने खुला हुआ है, आप इसमें कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात यह है, ठीक है। उससे पहले आपको बनाने से पहले आपको कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, वो सेटिंग्स मैं बता देता हूँ किस तरह से की जाती हैं और वो क्यों ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 8 नंबर का रजिस्ट्रेशन बैंक वाला जो है उसको एक बार प्रेस करेंगे तो आपके सामने एलिमेंट लिखाएगा, एलिमेंट के अंदर एंटर हो जाएंगे एंटर बटन से, तो आपके सामने मेजर आएगा। मेजर में क्या है कि आप मेजर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने मेजर तक आपको रिकॉर्ड करना है, 1 2 3 4 जितना भी, तो अपने हिसाब से रख लो आप कितना चाहते हैं, एक मेजर रखना चाहते हैं या दो मेजर रखना चाहते हैं। मैं फिलहाल एक मेजर में ही रिकॉर्ड करूंगा। ओके, फिर आप यहां से और भी देख सकते हैं एरो बटन से, तो यहाँ से आप टाइम सिग्नेचर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि बीट आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है तो 3 बीट लिखा है, एक्चुअली 3 बीट तो कुछ नहीं होता, 3 नंबर की बीट है ये। तो 3 के वाले के अंदर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, इस फंक्शन को दबा करके, तो 3 वाले के अंदर 4 4 टाइम सिग्नेचर डला हुआ है, 4 वाले के अंदर 5 4 टाइम सिग्नेचर डला हुआ है। इस तरह से कई सारे टाइम सिग्नेचर्स हैं, अपने हिसाब से आप टाइम सिग्नेचर सेलेक्ट कर लें कि आप किस टाइप का गाना या रिदम बनाना चाहते हैं, कौन से टाइम सिग्नेचर की हो, ठीक है। तो फिलहाल सबसे बेसिक जो 4 4 टाइम सिग्नेचर होता है मैं उसी पर आपको डेमो दिखाऊंगा। फिर आप यहाँ से हो जाइए एग्जिट, क्योंकि इसके बाद में इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये रिदम है थोड़ा सा पार्ट है लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं है, इतना कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये रिकॉर्ड बटन है उसको एक बार प्रेस करें तो आपके सामने एम्प्टी लिखा हुआ आएगा, और अगर आप स्टार्ट को दबा देंगे तो आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी इतना ही करना है, उससे पहले क्वांटाइज करना है आपको, तो इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे। देखिए कैसे होगा, फिर से दिखाता हूँ। जैसे कि ये था आपके सामने जो भी ड्रम्स था, उस तरीके से मैंने टोन बटन दबा दिया, लेकिन आपको क्वांटाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार इस बटन को दबाएंगे एक बार तो एम्प्टी आ जाए, फिर उसके बाद में लॉन्ग प्रेस कर देंगे तो ये क्वांटाइज आ गया आपके सामने। क्वांटाइज मुझे लगता है बहुत लोगों को पता होगा कि क्वांटाइज क्या होता है, लेकिन नहीं पता है तो फिर भी मैं बता देता हूँ। क्वांटाइज एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि आपकी बीट्स को सही जगह पर लगा देता है। जैसे समझिए आपका टाइम सिग्नेचर है 4 4, तो इस तरह चल रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ इस तरह से चल रहा है। तो मान के चलिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। तो आपने कोई बटन दबाई, मतलब कोई नोट दबाया और 1 और 2 के बीच में दबा दिया है वो गलती से, है ना, या गलती से नहीं, मतलब मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ, गलती से यहाँ पे दब गया है, तो ये आपके नोट को सही जगह पे पहुँचा देगा, या तो 2 के पास पहुँचा देगा या फिर 1 पे पहुँचा देगा, फिक्स बीट पर पहुँचा देगा, ये क्वांटाइज होता है। अब ये क्वांटाइज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, क्योंकि अलग अलग सॉन्ग्स के लिए, अलग अलग रिदम्स के लिए अलग अलग तरीके से यूज किए जाएंगे। तो आप जॉग व्हील से दिखाएंगे, घुमाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा कुछ दिखेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 क्वांटाइज कुछ भी नहीं होता। क्वांटाइज के अंदर जाएंगे तब हमको पता चलेगा
जैसे ही फंक्शन बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑफ नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे क्वांटाइज आपका काम नहीं करेगा वन नंबर पर जो है, और घुमाएंगे तो आपके सामने टू नंबर पर फोर, यानी कि वन टू थ्री फोर, तो कोई भी बीट होगी बीच बीच में कहीं भी होगी आपको सीधा उस पर बीट पे कर देगा वो, वन पे टू पे थ्री पे फोर पे नोट को सही कर देगा, ठीक है। फिर 4D है, तो 4D का मतलब फोर डुप्लेट, ध्यान देना डुप्लीकेट नहीं बोल रहा मैं, डुप्लेट बोल रहा हूँ, डुप्लेट मतलब डबल है ना, दो गुना एक तरह से, तो वन एंड टू एंड थ्री एंड फोर एंड इस तरह से डबल हो जाता है, तो वो आपके बीच बीच में कहीं पे खराब हो रही होगी तो वन एंड पे लगा देगा या फिर वन पे लगा देगा वैसे। तो फोर फोर वाला आपका जो टाइम सिग्नेचर चल रहा है ये क्या करेगा, हर एक बीट को तीन बीट्स में डिवाइड कर देगा, है ना, वन ट्रिपलेट है ना, जैसे कि वन को तीन में डिवाइड कर दिया, वन टू थ्री, टू मतलब वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, वन टू थ्री, इस तरह से। तो इस तरह से ये क्वांटाइज काम करता है। बाकी जो इसमें एट नंबर पर जो भी क्वांटाइज है 16, मैं इस वाले को रिकमेंड करूंगा, आप इस वाले को रखिए इसके लिए, और इससे आपका काम बिल्कुल सही हो जाएगा, और ज़्यादा इधर उधर करेंगे इसको तो फिर वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और साथ ही साथ मेट्रोनोम को भी ऑन कर लेंगे, क्योंकि मेट्रोनोम को ऑफ रखते हैं तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार, ठीक है। चलो तो देखते हैं, सबसे पहले मैं टोन को दबाता हूँ, उससे एग्जिट होकर के रिकॉर्ड बटन से एग्जिट हो जाएंगे और टोन दबा देंगे, और टोन में मैं सेलेक्ट करूँगा 715 पे जो इंडियन किट है वो सिलेक्ट करूँगा। इंडियन किट में आपको ढोलक तबला वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मिल जाते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल उसी का बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इधर मैं थोड़ा कैमरे को कीच की तरफ करता हूँ, ये इस तरह से। अब इसमें ढोलक का चक चिक बोलते हैं, चक बोलते हैं, या छल्ला पहन के करके वो दबाते हैं बजाते हैं वो भी है, ठीक है। और ये ना, इसको ऐसे बजाएंगे, ठीक है। चार बीट हैं तो चार बीट तक बजाएंगे। अब रिकॉर्ड कैसे करेंगे, रिकॉर्ड बटन को एक बार प्रेस करेंगे, एम्प्टी नजर आएगा, और आप इसको दबा देंगे। आप साथ ही साथ अपना टेम्पो भी जितना सेलेक्ट करना है वो कर लेंगे टेम्पो वाले बटन से, ठीक है। चलिए तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री फोर। डन, रिकॉर्ड हो गया। अब आप इसको कर लेंगे सेव, तो ये राइट वाला जो बटन है 7 नंबर पर उससे श्योर बोल रहा है तो यस कर दो, तो आपका साथ ही साथ सेव हो गया। क्योंकि अगर आगे चल के कोई दिक्कत भी हो जाती है बनाते टाइम पर तो आपको पूरा डिलीट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। आप डायरेक्ट एग्जिट हो जाएंगे और आपका फिर से वो जो सेव नहीं है वो वाला हट जाएगा और जो सेव है वो बना रहेगा, ठीक है। अब इसमें ढोलक का बेस देते हैं, तो ढोलक का बेस इस वाले में कुछ इस तरह से बेस देंगे। चलिए टू थ्री फोर, बस बहुत है, इसको सेव कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सा एक इसमें लगाऊं, चाहो तो आप लगा सकते हैं, नहीं चाहो तो मत लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा परकशन डाल देता हूँ, ये डाल देता हूँ जो मरकस है, वही सेम प्रोसेस रिकॉर्ड करने वाले, वन टू थ्री फोर। ये भी रिकॉर्ड हो गया। अब इस तरह से इसको भी सेव कर लेंगे। तो ये मेरा, मैं जो रिदम बना रहा हूँ अभी डेमो के लिए, वो काम हो गया इसका, ठीक है। अब आप इसमें गिटार वगैरह, बेस गिटार है, कॉर्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ बताऊँगा कि इसमें ये जो सेकंड ट्रैक है इसमें भी आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट को इस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ट्रैक फर्स्ट पर जाने के लिए पार्ट बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर लाइट ऑन दिखाई देगा। मैं कैमरे को सीधा करता हूँ, हाँ ये पार्ट दबाया मैंने, देखिए पार्ट दबाया तो ये लाइट ऑन हो रहा है, कैमरा गड़बड़ कर रहा है, हाँ जी देखिए। तो वन वाले पे चले जाएंगे तो ये वन वाला ट्रैक ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। तो
तो यहाँ पर आप कोई दूसरी किट सेलेक्ट करके उसको भी रिकॉर्ड कर सकते हैं सेम तरीके से, ठीक है। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं बना रहा हूँ उसमें ज़रूरत नहीं है। अब तीसरे वाले ट्रैक पर जाएंगे, तो तीसरे वाला ट्रैक जो है तरीका वही ऐसे, तो उसमें बेस गिटार आपका रिकॉर्ड होगा। बेस गिटार आप सॉन्ग के हिसाब से देख लीजिए किस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना है और रिकॉर्ड करने की सारी प्रोसेस से। चलिए इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। ये लीजिए, मैं कुछ ये रिकॉर्ड करूँगा, ये पैटर्न रिकॉर्ड करूँगा। 1 2 3 4 डन, ये भी हो गया। अब हम इसमें गिटार डालेंगे, एकॉस्टिक गिटार। चलिए एकॉस्टिक गिटार डालने के लिए वो आपको मिलेगा ट्रैक नंबर 5th में, तो वही पार्ट्स का बटन दबा करके आप ट्रैक नंबर 5th में जाएंगे। हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, कोई भी कॉर्ड आपको रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें सिर्फ सी कॉर्ड को ही डालेंगे, सी मेजर कॉर्ड को, ठीक है। बाद में अपने आप जो भी कॉर्ड आप दबाएंगे वो हो जाएगा। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं। 1 2 3 4 डन, ये भी हो गया। अब इसमें डाल देते हैं पैड जो आपको 7th ट्रैक में मिलेगा। आप 4th ट्रैक में, 5th, 6th ट्रैक में, 8th में, यहाँ तक इन ट्रैक्स में भी कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन इस वाली टोन के, इस वाली रिदम के लिए ज़रूरत नहीं है, तो उसमें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप टोन सेलेक्ट करेंगे, तो जो भी टोन आपको चाहिए वो कर लीजिए, लेकिन मैं करूँगा 1 पैड जो कि मुझे 473 में मिलेगा। ये 1 पैड, 1 पैड की साउंड कुछ इस तरह से आती है, या चाहे तो ऐसे। चले रिकॉर्ड करते हैं। हाँ, एक और बात, ये जो पैड रिकॉर्ड करते टाइम पर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि बीट चलने वाली 1 2 3 4 है ना, तो आपको 4 के एंड पर दबा, जो 1 से स्टार्ट किया है दबाना, 4 के एंड पर आपको हटा लेना है। अगर आपने नहीं हटाया, अगले वाले मेजर के 1 तक भी चलने दिया, तो वो आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, खराब हो जाएगा, है ना। और अगर पहले उठा लिया तो फिर वो अजीब सा लगेगा, अजीब सा साउंड करेगा, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी इसके लिए, अगर आप बिगिनर हैं तो, ठीक है। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 यस, एकदम परफेक्ट हुआ है। अब आप इसको पूरे को कर लीजिए सेव, वही राइट वाले बटन से, राइट जो 7 नंबर पर राइट है उससे आप कर लीजिए सेव। ये हो गया सेव, अब एग्जिट हो जाइए। तो इसमें ये हो गई है, अब मैं इस पर नाम भी डाल दूंगा। नाम डालने के लिए आप रिकॉर्ड बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो आपके सामने रिदम नेम आएगा, डेम ये एंटर को दबाएंगे, तो इसके बाद में इसमें नाम, ये लेटर्स को घुमा घुमा करके जॉग व्हील से आप नेम को चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसमें नेम लिखूंगा डेमो, DEABCD, हो गया। अब एंटर दबा दीजिए, श्योर ये हो गया आपका नाम। तो अब इसको ट्राई करते हैं कि कैसी बनी।